चीन के चेंगशा शहर में 24वीं एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां आमने सामने होंगे अमल राज भारत के खिलाड़ी और जापान के काई योशिदा। काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में मौजूद और मैच शुरू होने से पहले ही तालियां बजाकर दोनों ही खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए रेड कॉस्ट्यूम में हैं भारत के अमल राज और स्क्रीन के ठीक सामने जापान के योशिदा सर्विस करते हुए ब्लैक टी शर्ट में। सर्विस लेकिन रिटर्न अमल राज का बेहद खराब, टेबल से दूर जाता हुआ जापान के योशिदा, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है उनकी अगर एशियाई टेबल टेनिस की बात की जाए तो। लेकिन इस बार खुद उनका अपना रिटर्न टेबल से काफ़ी दूर जाता हुआ, वन ऑल स्कोर। अमल राज ने गेम को काफ़ी स्लो किया था और तेज़ रिटर्न देने की कोशिश में योशिदा का शॉट टेबल से काफ़ी दूर चला गया। लेकिन टेबल टेनिस में ऐसा कई बार होता है और इस बार अमल राज ने अपनी चुस्ती से छकाया योशिदा को। ये देखिए किस तरह से अच्छा बैकहैंड रिटर्न, बहुत दूर था योशिदा से, दरअसल योशिदा की पहुंच से ही बाहर था। 3-1 की बढ़त अमल राज के पास, योशिदा की सर्विस, अच्छा बैकहैंड रिटर्न अमल राज का और योशिदा धीरे धीरे इस मैच में अपने कदमों को जमाते हुए बैकहैंड रिटर्न और दूसरा रिटर्न कोई बहुत अच्छा नहीं था अमल राज का। सर्विस करने के लिए तैयार जापान के योशिदा, लगातार पॉइंट अर्जित करते हुए योशिदा, और कहीं ना कहीं ये जो एक एक पॉइंट गंवा रहे हैं अमल राज, वो उनके लिए मुश्किलें पेश कर सकता है इस पहले गेम में। सर्विस के लिए तैयार अमल राज और इस बार काफ़ी बुरी तरह से मात दी योशिदा ने, खिटक गए थे अमल राज सर्विस करने के बाद और उनके राइट साइड का कॉर्नर पूरी तरह से खाली था। भारत और अमल राज को अमल राज की सर्विस और इस बार आश्चर्यजनक रूप से अमल राज ने रिटर्न देने की कोशिश भी नहीं की। ये देखिए शायद बॉल टेबल के कोने से लगकर अपना कोण बदल गई, एक ऐसा मुश्किल कोण, और इस तरह से ये पहला गेम 7-11 से भारत के अमल राज ने खोया। मनजीत दुआ से बातचीत करते हुए इस समय भारत के अमल राज, 24वीं एशियाई कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आमने सामने, जहां योशिदा ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया, खासकर पहले गेम के अंतिम क्षणों में उन्होंने अच्छा नियंत्रण रखा। दूसरा गेम जिसकी शुरुआत भारत के अमल राज ने की, काफ़ी क्रॉस बैट से खेलते हुए, उसका मुंह पूरी तरह से नहीं खोल रहे हैं, कोण बनाने की कोशिश करते हुए अमल राज। लेकिन योशिदा जो कि काफ़ी शक्तिशाली खिलाड़ी हैं जापान के टेबल टेनिस की अगर बात की जाए तो, किंग उन्हें हासिल और एशिया के टॉप 10 में वो हमेशा रहते हैं और इस चैंपियनशिप में भी उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अमल राज पहला गेम 7-11 से हार चुके हैं और इस दूसरे गेम में भी उनका खेल कोई ख़ास दमदार नज़र नहीं आ रहा, और इस बार उन्होंने उलझाया था यहाँ अमल राज को, और इस तरह से ये दूसरा गेम भी योशिदा ने नाम किया। अगर यहाँ अमल राज तीसरा गेम भी हार जाते हैं तो फिर ये मैच और गेम योशिदा के पक्ष में हो जाएगा। हाथों पर थोड़ा सा पसीना आया जिसे साफ करते हुए जापान के का योशिदा, अमल राज की सर्विस, रिटर्न नेट पर लगता हुआ,
विलय की बढ़त बनाते हुए योशिदा, ये देखिए किस तरह से रिटर्न नेट पर उलझा था भारत के अमलराज का। सर्विस करते हुए योशिदा, बहुत दूर से इस बार बॉल को टेबल पर लाए और इस बार चूके योशिदा। एक अच्छी रैली के बाद दर्शकों का जोश और उत्साह बढ़ता हुआ, लेकिन ये जोश कहीं ना कहीं भारी पड़ा अमलराज पर। और ये देखिए किस तरह से गेम पॉइंट और मैच पॉइंट बनाया अपने लिए योशिदा ने। 11-8 से उन्होंने ये मुकाबला जीता और अमलराज ने हालांकि काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस मुकाबले में नहीं बना पाए। तो इस तरह से ये मुकाबला 11-7, 11-6, 11-8 से योशिदा ने अपने नाम किया। The Indian participation lasted only till the playoffs. Both Salil Shetty and Amalraj lost to some of the best players from the world. Let's speak to the coach, Mr. Manjeet Dua, to assess their performance in this tournament. As for Salil Shetty is concerned, he played extremely well and won one match, lost the two matches. In one particular match against Vietnam player, where he was leading 9-5 in the decider, just 2 points for the match. But it was a sheer bad luck. By virtue of playing so well, he could not qualify for the second stage of matches. Whereas Amalraj, we knew he's going to have very tough time because his group was consisting with Chinese, Japanese and Korean player. It was a very, very tough, it was a dream come true match for Amalraj. It was a bad luck for him having such a tough group, whereas though he played very well but lost all the three matches, but they were given a chance to play in the second stage matches by virtue of their performance. And Salil Shetty was very unfortunate to have lost with the Chinese player, and whereas Amalraj had to play with the Korean match. Both the players on the second day of the Asia Cup was very unlucky, I would say, because they played all along so well in their group matches, but it was a sheer bad luck by having very tough matches. चीन के चेंगशा शहर में 24वीं एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला चीनी खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा, जहां चीन के दो दिग्गज खिलाड़ी मा लोंग और जू जियान आमने सामने दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया और फाइनल मुकाबले से पहले अपनी खेल भावना का परिचय दिया। मा लोंग, जो कि इस चैंपियनशिप में चौथी वरीयता के साथ उतर रहे हैं और विश्व में उन्हें 5वीं वरीयता हासिल है, और मैच से पहले अंपायर टॉस कराते हुए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। जू जियान के बारे में हम आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में उन्हें 7वीं और विश्व में 9वीं वरीयता हासिल है। मा लोंग इस चैंपियनशिप के फाइनल में आपको ब्लैक टी शर्ट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि रेड टी शर्ट में हैं जू जियान। देखना है ये फाइनल मुकाबला किस तरह का रहता है। जू जियान के खिलाफ सर्विस करते हुए मा लोंग, बैक एंड रिटर्न, लेकिन काफी फुर्तीले मा लोंग। और यहाँ पर दर्शकों में इस बात को लेकर उत्साह, ये चीन के ही दोनों खिलाड़ी फाइनल खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो विजेता होगा वो चीनी खिलाड़ी होगा, लेकिन उनके लिए मुश्किल होगा कि वो मा लोंग का उत्साह बढ़ाएं या जू जियान का। मा लोंग सर्विस, बैक एंड रिटर्न, और इस बार फॉरेन शॉट। मा लोंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, अंक मिलता हुआ जू जियान। ये देखिए किस तरह से सर्विस, बैक एंड रिटर्न, और उसके बाद ये फॉरेन शॉट चूक गए हवा में ही
a mile long. The candidate Zhuxian की ताकत और दर्शक पूरा आनंद लेते हुए, और आनंद हो भी क्यों नहीं जब एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों ही चीनी खिलाड़ी मौजूद हों। मालाओं के खिलाफ सर्विस करते हुए Zhuxian, खब्बू खिलाड़ी हैं Zhuxian, और थोड़ा सा भार उनका ज़्यादा मालाओं के खिलाफ, लेकिन जहाँ तक खेल की बात है तो वहाँ पर भी वो काफ़ी शक्तिशाली। देखिए किस तरह से फाइटर सर्विस, और उसके बाद मालोंग को थोड़ी सी परेशानी आई रिटर्न देने में, लेकिन बैट पर पहुंचने की कोशिश, काफ़ी नज़दीक टेबल के खेलते हैं मालोंग और Zhuxian थोड़ा सा टेबल से पीछे होकर खेलते हैं ताकि शॉट में ताकत आ सके। और पुरुष वर्ग के इस फाइनल मुकाबले में चीन के मालोंग और Zhuxian की संघर्ष देखने को मिला पहले गेम में, जहाँ मालोंग आश्चर्यजनक रूप से 9-11 से पराजित हो गए। ताकतवर फॉरहैंड शॉट और बैकहैंड रिटर्न देते हैं Zhuxian। Zhuxian सर्विस करते हुए पहला गेम जीतने के बाद काफी जोश इनका बढ़ता हुआ, और इस बार मालोंग ने अपनी ताकत का परिचय दिया। ये देखिए किस तरह से सर्विस, उसके बाद अच्छा रिटर्न, लेकिन नेट में उलझते हुए मालोंग। पहला गेम 9-11 से हारने के बाद मालोंग काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं, और इस बार उनकी कोशिश यही है कि बॉल को किसी तरह से टेबल पर रखा जाए, एरिना के बाहर शॉट ना पहुंचाया जाए। दूसरे गेम में उनके बैकहैंड रिटर्न अच्छे हैं और फॉरहैंड शॉट पर भी बेहतरीन नियंत्रण। ये देखिए किस तरह से उन्होंने Zhuxian को पूरी तरह से छका दिया था। सर्विस करते हुए Zhuxian, अच्छी सर्विस, अच्छा रिटर्न, और यहाँ आसान मौका था। और इसी के साथ ये जो दूसरा गेम चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें Zhuxian के सामने पेश आती हुई। बेहतरीन सर्विस और उसके बाद अच्छे रिटर्न। तो दूसरा गेम किसी तरह से मालोंग ने 11-5 से अपने नाम किया। एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला मालोंग और Zhuxian के बीच चलता हुआ निर्णायक घड़ियां काफ़ी नज़दीक, क्योंकि मालोंग अगर इस गेम को जीत जाते हैं तो फिर वो गेम और फाइनल मुकाबला जीत जाएंगे। दर्शकों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि इस चैंपियनशिप का फाइनल किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि पहले ही अच्छी बढ़त मालोंग के पास है। और इस बार नेट पर उलझता हुआ रिटर्न, ये देखिए किस तरह से काफ़ी धीमा खेल दोनों खिलाड़ियों द्वारा, और अचानक मालोंग का रिटर्न नेट के ऊपरी सिरे से लगता हुआ टेबल पर जाकर जैसे ठिठक गया, और उसके बाद Zhuxian कुछ नहीं कर सकते थे। इस बीच सर्विस करते हुए Zhuxian, बैकहैंड रिटर्न मालोंग का, और टेबल के कॉर्नर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 3-2 की मजबूत बढ़त मालोंग के पास पहले से ही है, और अगर वो इस गेम को जीत जाते हैं तो 4-2 के स्कोर के साथ ही वो इस गेम और एशिया कप का फाइनल अपने नाम कर सकते हैं। एक अच्छी रैली दोनों खिलाड़ियों के बीच, लेकिन यहाँ मालोंग चूक गए। देखिए किस तरह से सर्विस, रिटर्न, एक हल्का रिटर्न मालोंग की ओर से, उसके बाद एक तेज़ फॉरहैंड शॉट Zhuxian का, और कमज़ोर रिटर्न मालोंग का। सर्विस करते हुए Zhuxian,
मौका यहाँ पर मालोम के लिए दर्शकों ने तालियां बजाई, जिस तरह से मालोम ने फ़ायदा भी उठाया था जुजिन, और उनके पास ए टेबल के पास आने का कोई मौका नहीं था, हालांकि गिरते हुए उन्होंने रिटर्न देने की कोशिश की थी। तो आपने देखा कि किस तरह से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जुजिन इस फाइनल मुकाबले में मालोम का सामना करने के, लेकिन बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं मालोम। एक और गेम की शुरुआत और रिटर्न देने की कोशिश करते हुए जुजिन, लेकिन नेट पर उछलता हुआ उनका रिटर्न पॉइंट मालोम के खाते में जाता हुआ। बहुत ही तेज तर्रार खेल का प्रदर्शन यहाँ इस बेहद शानदार रैली में मालोम के लिए। ये देखिए किस तरह से उनके ज़बरदस्त फॉरहैंड शॉट, लेकिन तारीफ करनी होगी जुजिन की भी कि आखिरकार स्लो ही सही, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी दिए, लेकिन अंतकार मालोम की ताकत के साथ उन्होंने परास्त होना पड़ा। पॉइंट मिलता हुआ मालोम को। मालोम अचानक इस गेम में बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। देखिए उनकी मुद्रा, वो किसी तरह से जुजिन को कोई मौका नहीं देना चाहते। लेकिन सर्विस के बाद दोनों ही खिलाड़ी ताकतवर चीनी खेल का प्रदर्शन करते हुए, और यही वो रैली थी जिसे देखने के बाद कहा जा सकता जुजिन की सर्विस। और मालोम रिटर्न भी नहीं दे पाए। अच्छी कश्मकश दोनों खिलाड़ियों के बीच। मालोम इस बीच सर्विस के लिए तैयार। इस फाइनल मुकाबले में क्या कुछ देखने को नहीं मिला, अच्छी रैली, दमदार शॉट, पूरी ताकत झोंकते हुए खिलाड़ी चैंपियन बनने के लिए इस 24वीं एशियन कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप का विजेता बनने के लिए चीन के खिलाड़ियों में बहुत ही ज़ोरदार संघर्ष होता हुआ। पहला गेम 9-11 से हालांकि मालोम हारे थे, उसके बाद दूसरा गेम उन्होंने 11-5 से जीता, तीसरा गेम भी उन्होंने 11-7 से जीता, और उसके बाद 11-6 से भी अगला गेम उन्होंने अपने नाम किया। तो पिछले गेम के जो रिजल्ट हैं वो ये बताते हैं कि पलड़ा फाइनल में मालोम का ही भारी है। इस बीच सर्विस करते हुए जुजिन, अच्छा रिटर्न मालोम का, और टेबल के पीछे काफ़ी दूर चले गए थे, लेकिन फिर भी अपने शॉट पर नियंत्रण रखा मालोम ने। दर्शक आह और वाह दोनों ही करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार खेल मासरूफ देने वाला ये फाइनल मुकाबला बेहतरीन खेल। एक फाइनल मुकाबला जैसा खेला जाना चाहिए वैसा ही कोई भी खिलाड़ी किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करता हुआ इस तरह से परिचय देते हुए, और इसी के साथ यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट जो इस बात का प्रतीक कि मालोम ने ये फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है। 4-2 से उन्होंने 24वीं एशियाई कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप अपने नाम की, और फाइनल मुकाबले का स्कोर रहा 9-11 हैं, 11-5, 11-7, 11-6, 12-14 हैं और 11-6। एशिया कप जो कि 24वां संस्करण है उसका महिला वर्ग का फाइनल चीन की जुयांग और हांगकांग की जियांग हुआ जुन के बीच खेला जा रहा है। ब्लैक टी शर्ट में है हांगकांग की खिलाड़ी और रेड टी शर्ट में है चीन की जुयांग। देखते हैं ये फाइनल मुकाबला इस तरह का रहता है। हांगकांग की जियांग ने सर्विस की थी, काफ़ी ऊंचाई से सर्विस करती हैं जियांग। ये देखिए हाइट ऑफ सर्विस। और इस फाइनल मुकाबले में चीन और हांगकांग के बीच कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन चाहेगा कि उसका दबदबा बरकरार रहे, क्योंकि पुरुष वर्ग का फाइनल चीनी खिलाड़ी के पक्ष में रहा है। तो चीन चाहेगा कि एकल वर्ग के जो दोनों खिताब हैं इस
एशिया कप में वो उसके पास रहें, लेकिन देखना है कि हांगकांग की जियांग क्या चीनी चुनौती का सामना कर पाएगी। इस बीच एक बहुत ही स्लो रिटर्न देने की कोशिश जियांग द्वारा, जो हांगकांग के खिलाड़ी हैं, लेकिन पहले गेम बहुत ही आसानी के साथ 3-11 से अपने दाम किया युआन ने। जियो युआन बहुत ही दमदार चुनौती पेश करते हुए इसी बीच एक अगला गेम शुरू होता हुआ दोनों खिलाड़ी के बीच टॉस सर्विस यहां पर हांगकांग के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन रिटर्न यान का काफ़ी दूर जाता हुआ। हांगकांग के खिलाड़ी के पक्ष में केवल यही बात कही जा सकती है कि उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन चीनी खिलाड़ी जिनके रिटर्न बहुत अच्छे हैं और जो उनका एरिना कवरिंग है वो बहुत ही शानदार। तो पहला गेम 3-11 से जिस तरह से यान ने अपने नाम किया चीन की, ऐसा लगता है उसका दबाव हांगकांग के खिलाड़ी पर ज़रूर रहेगा। इस बीच एक छोटी सी रैली जरूर दोनों खिलाड़ियों के बीच चली, लेकिन अंत में उसका फ़ायदा यान के पास रहा। ये देखिए किस तरह से सर्विस, उसके बाद काफ़ी नेट के करीब जाकर रिटर्न दिया और बैकहैंड रिटर्न देती यान, इससे पहले ही बॉल टेबल के किनारे तक पहुँची और पॉइंट यान के पक्ष में गया। बहुत ही दमदार चुनौती पेश करती हुई चीन की जियो यान, तो देखिए किस तरह से खेल पर दबदबा है उनका। हांगकांग की खिलाड़ी को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं देती हुई और मुट्ठियां भींच कर यान अपने आत्मविश्वास का भी प्रदर्शन करती हुई। इस बीच हांगकांग के खिलाड़ी की सर्विस पॉइंट जाता हुआ यहाँ इस बार जियांग व जुन के पक्ष में और दर्शकों ने उनका अच्छा उत्साह बढ़ाया। एक अच्छी रैली थी दोनों खिलाड़ियों के बीच, चीनी खिलाड़ी यान रेड कॉस्ट्यूम में खेलते हुए बहुत चढ़कर खेलती हुई नेट के काफ़ी नज़दीक, और तारीफ करनी होगी हांगकांग के खिलाड़ी की भी तेज़ी की जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। हालांकि अंत का पॉइंट चीनी खिलाड़ी यान के पक्ष में रहा है, कि आक्रामक रवैया अख्तियार किया हुआ है और ऐसा लगता है जैसे इस फाइनल मुकाबले को जीतने की काफ़ी जल्दी है यान को, हालांकि इस समय की कोई बाधा नहीं। सर्विस करते हुए चीनी खिलाड़ी यान बैकहैंड रिटर्न देने की कोशिश और इसी कोशिश में जियांग हुआ जिन चूक गई और उनका रिटर्न टेबल से काफ़ी दूर रहा। देखिए किस तरह से कोशिश ज़रूर की थी हुआ जिन ने और यहां आकर वो चूक गई और यान को पता था कि वो काफ़ी दूर हैं। चीनी खिलाड़ी यान सर्विस करते हुए और हांगकांग की खिलाड़ी वजुन थोड़ा सा निराश नज़र आती हुई एक एक पॉइंट पर तालियां बजाते हुए यहां दर्शक और उत्साह बढ़ाते हुए चीनी खिलाड़ी यान का, तो देखिए यान का किस तरह का रिटर्न रहा और उसके बाद ताकतवर और रिटर्न भी और जिसका कोई जवाब जियांग के पास नहीं था। बेहतरीन फॉर्म में दोनों ही खिलाड़ी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कोई दबाव महसूस करते हुए हांगकांग के खिलाड़ी, लेकिन जिस तरह से लगातार
यहाँ पर प्रदर्शन किया चीन की जियो यान ने, तो ये फाइनल मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया। और अगर फाइनल स्कोर की बात की जाए तो 3-11, 11-5, 11-9, 9-11, 12-10, 11-7 से उन्होंने ये फाइनल मुकाबला हांगकांग की जियांग हुआ जिन को हरा कर जीता।